इन जनाब की वीडियो देखकर शायद आपको लगे कि आज क्राइम तक पर हम आपको क्यों जिम करते हुए किसी लड़के की वीडियो दिखा रहे हैं, मगर इस लड़के की ये वीडियो दिखाने के पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में बिना शर्ट के बिल्ली को गोद में लेकर वीडियो बनाते ये जनाब हैं टाइटस लो, जो सिंगापुर के सबसे अमीर एडल्ट स्टार हैं। मगर अब ये जनाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरी दुनिया में जिसके हजारों लाखों फैन हैं, आज वो पुलिस की गिरफ्त इसलिए हैं क्योंकि इन जनाब ने काम ही कुछ ऐसा किया है। असल में सिंगापुर का सबसे अमीर एडल्ट स्टार टाइटस लो को अश्लील हरकतों की वजह से बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। टाइटस लो पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली फैंस पर अश्लील कंटेंट अपलोड कर दिया था, और ऐसा उन्होंने एक ही नहीं बल्कि दो बार किया था। चैनल एशिया के मुताबिक 22 साल के टाइटस लो ने ओनली फैंस अकाउंट पर अप्रैल से अक्टूबर के बीच 30 अश्लील फोटो और 29 वीडियो अपलोड किए। पुलिस ने बताया कि टाइटस लो के बारे में 4 सितंबर को शिकायत मिली थी। इसके बाद टाइटस लो ने अपने बचाव में कहा था कि उनका अकाउंट सिक्योर नहीं है, जिसके बाद उनके इसी अकाउंट से और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किए गए। पुलिस की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है। सिंगापुर में इस तरह के अपराध के लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान है, वहीं $5,000 यानी कि $3.25 लाख रुपए की जुर्माना राशि भी वसूली जा सकती है। वहीं पुलिस को लगातार टाइटस लोग कह रहे थे कि उनका इस सब से कोई मतलब नहीं है। टाइटस ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया है। इसके बाद भी उनके अकाउंट से अश्लील फोटो शेयर किए गए। आपको बता दें कि vice.com के अनुसार टाइटस लो को 30 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। अब उनका टिकटॉक वीडियो सामने आया है। इस 14 सेकंड के वीडियो को उन्होंने 2 जनवरी को अपलोड किया था, जिसमें वह अपनी लैम्बोर्गिनी कार में अकेले नाचते हुए दिख रहे हैं। अपने टिकटॉक वीडियो में उन्होंने बताया कि वह ठीक हैं। टाइटस लो के खिलाफ मामले की जाँच अब भी चल रही है, जिस पर 20 जनवरी को फैसला आ सकता है। अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो वह ओनली फैन के पहले कंटेंट क्रिएटर हो जाएंगे जिनको सिंगापुर में सजा सुनाई जाएगी।